वेलकम टू प्रियोनिक व्लॉग्स एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। इंडिया में जिस मूवी ने तहलका मचा रखा है, स्त्री 2, जो कि 6 साल के बाद रिलीज हुई है आज के दिन, तो हम आज फर्स्ट डे सेकेंड लास्ट शो देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि है हमारा 8:15 की मूवी। तो अभी बज रहे हैं 8 और जल्दी से हम लोग भाग जाएंगे मूवी के लिए। आज हम इस बच्चे को नहीं जानते, और साथ ही साथ एक और स्पेशल जो बात है, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया 8 बज गए और डिम्पी ने 4 पैक लगा लिया और ये नशे में बात कर रही है। तो कल है 16 अगस्त गाइस, और कल है अथर्व के पापा का बर्थडे। तो गाइस, बर्थडे सेलिब्रेशन मैं आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ निक का, क्योंकि फर्स्ट मेरा जो प्लान था कि हम लोग 15 अगस्त को मूवी देखने के लिए जाएंगे स्त्री 2, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम बताओ कितना एक्साइटेड हो, 6 साल के बाद स्त्री 2 देखने के लिए जा रहे हैं हम। एक्साइटमेंट अभी हो नहीं रही है, जाके बैठूंगा उसके बाद सोचूंगा। देखो, सीक्वल जितने भी आते हैं ना, जितने सीक्वल आते हैं ना भाई, वो फ्लॉप जाते हैं। मैं बाद में पूछूंगा, अभी अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है? तो हम फटाफट से जा रहे हैं मूवी में, ठीक है? नोनी को दादा दादी के पास छोड़ के, और इसको यहाँ पे डिपॉजिट करा के, ये बेचारा अपनी माँ को लात मार रहा है, ये माँ को लात मार रहा है। जैसे इसने बोला कि नोनी को हम दादा दादी के पास छोड़ के, इसने सीधा लात मार दी। और निक के बर्थडे का जो फर्स्ट सरप्राइज है, यहाँ पर मैं इसको काउंट कर रही हूँ, जो कि है तुम्हारे लिए एक मूवी। नोनी? अच्छा, मुझे लगा नोनी। देखो, फर्स्ट गिफ्ट तो ये है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना? पहला गिफ्ट मैं ये तुम्हें दे चुकी हूँ तुम्हारे बर्थडे में, और दूसरा गिफ्ट तुम इसको काउंट कर लो। गाइस, बने रहिए व्लॉग में, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलो चलो, जुगाड़ हो गया हमारा, स्टार्ट होने वाला है। छलावा, चुड़ैल, पिशाचिनी, सोनम बेवफा, ठुकरा दिया तेरा प्यारा, बिंद काम देखेगी? मुझे तो कुछ भी नहीं, हमारे बारे में क्या बोलते पता है? चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशीष, बिक्की बावरा, सस्ता राजा, मजनू का मांझा, चंदा मेरिया, पागल के। तक मूवी कैसी लग रही है? एलम का कोर्स किया है, उसके बाद जो सोचा था वैसा ही जा रहा है, इंटरवल हो चुका है, सर कटे का आतंक जो है वो जारी है। उत्तराखंड सरकार, जैसा सोचा था 6 साल के बाद 6 गुना ज्यादा मजा आ रहा है इस मूवी में, है ना? लागत का 20% राज्य सरकार। जुट्टी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। कैसी लगी मूवी? कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो निक का बर्थडे का शुरुआत हमारा स्त्री 2 मूवी से हुआ है, जिसका फीडबैक रिव्यू मैं देना चाहती हूँ। पहले 10 में से 1000 marks भाई, मूवी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, बता नहीं सकते गाइस। मस्ट वॉच, जरूर देखो स्त्री 2 स्टार्टिंग टू एंड, फुल एंजॉयमेंट था। कहीं पे ये नहीं कम ज्यादा थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी फ्लो मेंटेन था, कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ कि इस मूवी में हम, मतलब हम लोगों ने इतने सारे पैसे खर्च करे हैं। फर्स्ट डे सेकंड लास्ट शो देख के हम आए हैं, और फर्स्ट डे का तो मजा ही कुछ और होता है। हाउसफुल मूवी थी। कितने टाइम पहले बुक करी थी? मैंने करी थी जब वो बुक माय शो में नोटिफिकेशन आ जाता है ना कि मूवी के टिकट्स अवेलेबल है, 1 वीक पहले हमने बुक करा था, 1 वीक पहले तब जाके टिकट मिली है, नहीं तो सारी हाउसफुल। हमने नहीं करा था, मैंने करा था, मैंने और यहाँ पर अक्षय कुमार की एंट्री भाई, मतलब गजब थी। वरुण धवन इच्छाधारी कुत्ता बन के आ गया था, इच्छाधारी कुत्ता, कुछ भी बोलो, बिकी प्लीज, बिकी प्लीज। तो गाइस, फुल ऑन बहुत ही मस्त मूवी है, जाके देखो थिएटर में। हैप्पी बर्थडे नोनी के पापा, अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, निकू
बापू बन गया बापू तो जैसे कि आपने देखा घर पे आने के बाद में 12 बजे निक्का केक वगैरह कटवाया हमने किया, पूरी फैमिली ने मिलके मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से रहा हमारा पूरी फैमिली के साथ में, अपने बेबी के साथ में बर्थडे निक्का हमारी बेबी के साथ में ऑब्वियसली, तो ये तो काफी स्पेशल बनता ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो गाइज नाउ इट्स 16 अगस्त, आज 16 अगस्त है, निक्का बर्थडे है और मैंने उसके बर्थडे के लिए अर्बन कंपनी से कुछ कुछ सर्विसेज के लिए मैंने बुक किया था। लास्ट टाइम भी मैंने उसके लिए बॉडी मसाज बुक किया था, इस बार मैंने वो एक्सपीरियंस वो पिछली बार कर चुका था तो मैंने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं उसके लिए वो बुक करूँ। साथ में आप देख सकते हैं नोनी भी अपने उठ गया था और अपने खिलौने के साथ खेल रहा था और निक अपने सर्विसेज ले रहा था, तो मैंने सर्विसेज में बुक किया था कटिंग उसकी हो चुकी थी, आफ्टर कटिंग उसकी अब हो रही है शेविंग, तो कटिंग शेविंग मैंने बुक किया था। साथ साथ मैंने यहाँ पर चायोस की चाय ऑर्डर करी थी, इतनी अच्छी अच्छी सर्विसेज उसको मिल रही है, साथ साथ चाय क्यों ना हो जाए, हमारा चाय इसका चाय वैसे ही फेवरेट है। साथ में मैंने मुझे भी बहुत भूख लग गई थी तो मैंने मंगा लिया था अपने लिए मॉम्स पोहा चायोस का, तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका नेक्स्ट D10 यहाँ पर हुआ था, तो D10 अब वो रिमूव कर रहे हैं और आफ्टर D10 उसका जो मतलब फेस का कलर है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था, बहुत अच्छा मतलब आया था रिजल्ट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पेडिक्योर, यस उसके लिए पेडिक्योर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम था, तो साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड मसाज मैंने बुक किया था, बहुत अच्छा रहता है रिलैक्सिंग के लिए, बहुत ही बढ़िया मतलब रहता है ऑब्वियसली, और बर्थडे है और स्पेशल डे है इतना और हस्बैंड को स्पेशल फील करवाना है, यही मेरा मकसद था और जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हर एक चीज़। की भी मालिश हो रही है यहाँ पर, पापा की भी मालिश हो रही है, नोनी के पापा की भी, दोनों की आज मालिश हो रही है एक साथ, वाह आज नोनी की मालिश दादी कर रही है, वाह। तो तुम्हें गुदगुदी हो रही है, नहीं हो रही, तो ये है रिएक्शन वीडियो निक का, पेडिक्योर का रिएक्शन वीडियो। सो कैसी रही तुम्हारी सारी सर्विसेज बर्थडे का स्पेशल डे में? चमका दिया है मुझे। देख सकते हैं आप इंसान बन चुका है ये। घिस घिस के चमका दिया है। सो ठीक है, अच्छा था, मतलब मैंने अर्बन कंपनी की घर पे सर्विसेज यूज़ कभी वैसे घर पे लास्ट टाइम मसाज यूज़ किया था, बॉडी मसाज, लेकिन शेविंग कटिंग और ये सब के लिए कभी यूज़ नहीं किया था, तो बट अच्छा है ना, हाँ रिजल्ट अच्छा तो अच्छा है। था, उन्होंने क्लीन भी करके गए, सब कुछ बढ़िया था। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा जो 15 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के आफ्टरनून तक का बर्थडे सेलिब्रेशन निक का। बाल कैसे खड़े हो गए इसके, ये तो इस ये हमारा इस बर्थडे व्लॉग के इस पार्ट को मैं यहाँ पर अभी एंड करने वाली हूँ। ये हमारा आइंस्टाइन है। तो इस पार्ट को मैं यहीं पर ही एंड करने वाली हूँ। हाँ, वीडियो सेव ज़रूर कर लेना, आप भी इस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड को या फियांसे को या हस्बैंड को इस तरीके से सरप्राइजेस दे सकते हैं उनके स्पेशल डे पे, बर्थडे पे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सेव कर लेना वीडियो और वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं बर्थडे व्लॉग पार्ट 2 में, बाय बाय।